अगर आप भी ठंड में नंगे पांव घूमते हैं या पानी का ज्यादा काम करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बढ़ती ठंड आपको बना सकती है चिलब्लेन नामक बीमारी का शिकार। चिलब्लेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाथ पैर की उंगलियों में, नाक के निचले हिस्से में, कान में सूजन आ जाती है, जिसमें दर्द और खुजली भी होती है। ये एक सामान्य बीमारी है परंतु तकलीफ देह होती है। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत छोटा सा है परंतु बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। जहाँ ठंड ज्यादा होती है, जिनके पास रहने के पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, जिनका पानी का काम ज्यादा होता है या जिनके इम्यूनिटी वीक होती है, उनको ये प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिलब्लेन क्या होता है, ठंड में इससे कैसे बचा जा सकता है और आयुर्वेद की मदद से हम कैसे इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्या ठंड में नंगे पैर घूमते हैं आप? क्या ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं? क्या जुराब नहीं पहनते हैं आप? तो हो जाइए सावधान, गिरता पारा बना देगा आपको चिलब्लेन का शिकार। दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो इस ठंड में इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। ये समस्या होम रेमेडीज के द्वारा बहुत इजीली ठीक की जा सकती है। ठंड से बचने के लिए बहुत से ऐसे होम रेमेडीज हैं, आयुर्वेद में बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जिनके द्वारा आप अपने शरीर को अंदर से गर्म रख सकते हैं और इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि चिलब्लेन होता क्या है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हमारी ब्लड वेसल्स, स्किन के नीचे जो नसें होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है या छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं और ब्लड की सप्लाई ठीक से ना होने से खारिश, खुजली, जलन और रेडनेस हो जाती है। शरीर का वो हिस्सा जो ठंड के संपर्क में ज़्यादा रहता है और लगातार रहता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों का काम ऐसा होता है जिसमें उन्हें ठंड में अपनी बॉडी को एक्सपोज करना ही पड़ता है, जैसे खेतों में काम करने वाले मजदूर, लेडीज जिनका काम पानी का ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम होने की आशंका ज़्यादा रहती है। जब ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है, यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं होम रेमेडीज और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रिवेंशंस की। दोस्तों, मैं आपको दो होम रेमेडीज बताने वाली हूँ और दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली रेमेडी हमारी है मोमबत्ती और सरसों के तेल की। इस रेमेडी के लिए आपको लेना है 4 चम्मच सरसों का तेल। एक कटोरी में सरसों के तेल को डाल लीजिए, इसे गर्म करने के लिए रखिए। अब आपने लेना है एक छोटी मोमबत्ती का टुकड़ा, इसे सरसों के तेल में डाल दीजिए और जब तक गर्म कीजिए जब तक ये मोमबत्ती पिघल नहीं जाती है। जब आपकी मोमबत्ती पिघल जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए। अब आपको इस तेल से हल्के गुनगुने रहने पर, जब ये तेल आपका हल्का गुनगुना रह जाएगा तो आपको अपने इफेक्टेड एरिया की मसाज करनी है। हल्के हाथों से मसाज करें, जहां आपको सूजन है 2 से 3 बार इसे लगाने पर ही आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। दिन में 2 बार इसे जरूर ट्राई करें, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। हमारी दूसरी रेमेडी है जिसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच सरसों का तेल, इसे भी एक कटोरी में डाल लीजिए और 1 चम्मच सेंधा नमक। तेल को गर्म करने के लिए रख दीजिए और उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए, इसे गर्म करें और गैस को बंद कर दीजिए। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तो इस तेल से हल्के हाथों से इफेक्टेड एरिया की मसाज करें, धीरे धीरे स्वेलिंग दूर हो जाएगी। दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करें, आपकी समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, इस रेमेडीज को करने से पहले आपको एक काम और करना है, आपको लेना है गुनगुना नवाया पानी, जिसमें आपको अपने पैरों की सिकाई करनी है या हाथों की सिकाई करनी है, जहाँ पे भी आपको इस प्रॉब्लम ने घेर रखा है। यानी अगर आपके हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन है तो आपको गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर 15 मिनट तक सिकाई करनी है। उसके बाद आपको टॉवल से अपने हाथ पैर सुखा लेने हैं और इन दोनों में से किसी भी एक रेमेडी का इस्तेमाल करना है। इसे लगाने के बाद आपने डाल लेनी है जुराब या दस्ताने। दोस्तों, गर्म पानी दर्द को खींच लेता है और सेंधे नमक से शरीर में मैग्नीशियम की पूर्ति होती है, इसलिए इस प्रोसेस को दिन में 1 बार जरूर करें, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आजमाए हुए नुस्खे हैं दोस्तों ये। इसके अलावा अगर आपके पैरों में छाले हो गए हैं, हाथों में छाले हो गए हैं, तो त्रिफले का प्रयोग करें।
त्रिफले को पानी में उबालकर उससे इफेक्टेड एरिया की सिकाई करें, बहुत आराम मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनका इस्तेमाल करने पर आप इस ठंड में इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए चिल्ब्लेन से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखें। जिन लोगों को सर्दियों में प्रॉब्लम होती ही है, उन लोगों को सर्दियां शुरू होने से पहले ही तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश जरूर करनी चाहिए। हल्का गुनगुना तेल कर लें, उससे अपने सारे शरीर की मालिश करें। हाथ पैरों में जहां सूजन आ जाती है, उन एरियों की अच्छे से मसाज करें। तिल का तेल गर्म होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। शरीर के अंदर का अवरोध या इन्फ्लामेशन या कोई वैसल सिकुड़ गई हो तो उसमें भी आराम मिलता है। इसके अलावा गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर 10 से 15 मिनट के लिए सिकाई करें हाथ पैरों की, बहुत फायदा मिलेगा। शरीर को गर्म रखने की कोशिश करें, ठंड में गर्म पानी ही पिएं। हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करें, हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है। सर्दियों में कच्ची हल्दी बहुत इजीली मिल जाती है, इसलिए कच्ची हल्दी का ही प्रयोग करें। अगर आपको कच्ची हल्दी ना मिले तो सूखी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। सौंठ, तुलसी, अदरक, लौंग और काली मिर्च डालकर काढ़ा बनाएं और इसे पिएं। शरीर अंदर से गर्म रहेगा तो चिल्ब्लेन नहीं होगा। दोस्तों, ठंड में पैरों में मोजे और दस्तानों का प्रयोग जरूर करें। खास तौर पर बाइक चलाते समय दस्तानों का प्रयोग जरूर करें। कानों को ढक कर रखें। अधिक समय तक ठंडे पानी के इस्तेमाल से बचे रहें। बाहर निकलते समय जूते, मोजे और गर्म कपड़े जरूर पहने। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, जैसे अलसी, अदरक, सीड्स, गुड़, बादाम, तिल, अंडा जैसी गर्म चीजों का सेवन करें। ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा ऊनी और सूती वस्त्रों को ही पहने। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ जानकारी चिल्ब्लेन को लेकर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।